अरे ओ माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ। शांति कमरे में सो रही है, उसको बोलो मेरे लिए खाना बना देगी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बहू को उठा देती हूँ, तुम नहा के आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनवा देती हूँ और तुम्हारा टिफिन भी मैं बनवा देती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, उठ जाओ और कालू के लिए खाना बना दो। अरे माँ जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आज मुझसे खाना नहीं बन पाएगा, आज का खाना तुम ही बना लो प्लीज। माँ जी, खाना आप ही बना लो। अच्छा ठीक है बहू, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम आराम करो, आज खाना मैं ही बना लेती हूँ। वैसे भी तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है जो मैं तुम्हारी इतनी भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, आज मैं खाना बना देती हूँ। माँ, अरे वो माँ, टिफिन बन गया कि नहीं? अरे हाँ बेटा, खाना तो बन गया और तेरा टिफिन भी तैयार है। अरे माँ जी, आज तुम किचन में अकेली काम कर रही हो, शांति कहाँ है? अरे शांति अभी तक सोई है, उठी नहीं क्या? नहीं बहू की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उससे कह दिया तुम आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। मैं ठीक है माँ जी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर शांति की तबीयत ठीक ना हो तो डॉक्टर को बुला के दवाई ले लेना। अरे बेटा ठीक है, तू जा, मैं बहू को देखती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, अब तेरी तबीयत कैसी है, कुछ आराम है या नहीं? अरे या डॉक्टर को बुलाऊं, डॉक्टर से दवाई ले लेना। अरे हाँ माँ जी, मुझे थोड़ा थोड़ा आराम मिल रहा है, मैं कुछ ही समय में ठीक हो जाऊंगी। मैं ठीक है बहू, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो कालू के कपड़े धो देना, कल के कपड़े से धुले ही पड़े हैं। अरे माँ जी, मेरे हाथ पैर अभी भी दर्द कर रहे हैं, अगर मैं ठंडे पानी से कपड़े धोऊंगी तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। अरे बहू चलो ठीक है, तुम आराम करो, कपड़े मैं धो लूंगी। अरे सुनो, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो तो तुम शाम का खाना बना लेना। अरे कालू, तुम आज बहुत सवेरा आ गए, सब ठीक ठाक तो है ना? अरे हाँ माँ जी, आज ऑफिस में काम बहुत कम था तो मैं उसे जल्दी निपटा के आ गया। शांति, अरे ओ शांति, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो। जी सुनो, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम माँ जी से खाना बनवा लो। अरे शांति, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक है, तुम नाटक कर रही हो। अरे बेटा, मुझे भी पता है इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ये नाटक कर रही है, मैं इससे कुछ नहीं करती हूँ, अगर मैं इससे कुछ कहूँ तो घर में लड़ाई होगी और नाटक होंगे। अरे दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ऐसे ही मज़ेदार और फनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।